गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नई सुबह और एक और नए ब्लॉग के साथ। तो अभी टेम्परेचर करीब करीब आपका है 2 डिग्री के आसपास और बज चुके हैं 7:30। और बिटिया का दूध लाने का समय भी हो गया है क्योंकि यहाँ पे कोई शॉप वगैरह है नहीं, और अगर एक बार दूध वाला चला गया तो फिर हमें आज दूध नहीं मिलेगा, तो जिससे हो जाएगी हमें परेशानी। देखो दोस्तों, बाल्टी में जो रात पानी बचा था उसमें बर्फ जम चुकी है, देख रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो पूरी बर्फ जम चुकी है। और इधर मैंने बच्चों के लिए जला दिए हैं आज, ताकि बच्चे बाहर निकले तो उनको ठंडा लग जाए। और आज का तो अभी रंग भी अलग ही आ रहा है, रूप भी अलग लग रहा है। देखो भाई साहब, अभी आके देखें आँच ही जल्दी, अभी देखना कलर देखना कैसे आ रहे। नाश्ते की तैयारी करी जा रही है जबरदस्त करके, और ठंड है, इतनी ठंड में श्रीमती जी काम कर रही है। श्रीमती जी को हैट्स ऑफ यू जी, इतनी ठंड में भी काम कर रहे हो आप लगे हुए हो। हमारा ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका दिल से, इसके लिए गिफ्ट तो बनता है। और देखो ठंडा पानी है, ठंडे पानी में गिफ्ट बोल रही है कि अभी ला के दिया है। अरे गिफ्ट कोई देने का थोड़ी होता है, शादी के बाद कुछ भी नहीं दिया। देखो मेरी बुराई कर रही है दोस्तों, देख लो मैं कल भी कह रहा था ना ठंडे पानी, मैं आपको ताता पानी बता रहा था ना, इतना लाइक करो कि दूसरी लिया हूँ। मनाली में देंगे ना, मनाली में क्या चाहिए आपको? शादी से पहले बहुत गिफ्ट मिले, शादी के बाद कुछ भी नहीं मिला। नाश्ता कर रही है श्रीमती जी तैयार, और मुझे लगी है जबरदस्त नाश्ते की पेट में आग। भाभी गूंथ रही आटा, और भाभी उधर आटा गूंथने की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने गर्म पानी कर लिया है, इतना ठंडा पानी है, बर्फ जम रही है पानी में तो आटा गूंथ नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया गया है। देखो ये सेफ्टी भी जरूरी है। और इधर बिटिया हमारी पीहू पी रही है दूध। हाय पीहू, गुड्डू का कर रहा है? नहीं नहीं, आप वो पिलो पिलो। ज्यादा अच्छी दोस्ती होगी इसकी। और देखो पीहू कितना मजे ले रही है भाई साहब के साथ में। हेलो पीहू, आप हमारे पास आओगे? देखो नहीं आ रही है, दादू वाली फीलिंग आ रही है पूरी। जी जी जी, पीहू बोले कौन हो आप? पीहू तो अभी बोल रही, देखो नहीं आ रही है, देखो देखो हमें बाय बाय कर रही है। ये जहाँ जाती है ना वहीं गुल मिल जाती है, इसका नेचर ही ऐसा है। फ्लाइंग किस कर दो बेटा, फ्लाइंग किस करो। हो चुका है लेडीज लोगों का कोलैप्स आपस में मिलजुल के काम करने का, और बनाई जा रही है रोटी, बना रहे हैं पराठे। पराठे लो जी, पराठे बन रहे हैं, और वो भी जबरदस्त महक आ रही है जी। आज तो मजा आने वाला, अपना देसी स्टाइल में पराठे, चाय, वाजवार, रात की सब्जी, वो भी मलाई के साथ में, और अचार नींबू का मुझे साथ में दिखाई दे रहा, गजब हो रहा है। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह अरे वाह, ये देखो ए फे टालिया ठालिया जी ठालिया। आहा, डांस दिखा दो सब कुछ। अच्छा अच्छा, डांस दिखा दो। यारा यारा मिलना हमारा, देखो जी नन्हे नन्हे कदम हमारी बेटी सीख रही है और कोशिश भी कर रही है कि आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ पीहू, आओ। ऐसी जगह पे आना और साथ में बच्चा हो अपना, और जब वो ऐसे आपसे लिपटे, मतलब एक फीलिंग अलग है यार, जबरदस्त फीलिंग होती है। देख रहे हो अभी मुझे पता है यहाँ उसके पापा बैठे हुए हैं। होता क्या है कैंपिंग में कि ना, हम लोग कैंपिंग के काम में इतना बिजी हो जाते हैं या फिर उसमें अपनी मस्ती मस्त रहते हैं, तो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर टाइम अपने बच्चे के लिए निकालना है, भले ही अपना काम थोड़ा कम हो, लेकिन हम बच्चे के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी खेल रही है, मस्त है, देखो आप देख सकते हो कैसे मस्त भागा दौड़ी कर रही है जी। बिल्कुल फैल गई है, कपड़े वपड़े सब छान लिए हैं, ये देखो पूरे कपड़े गंदे कर लिए हैं। देखो लो जी, पीहू आ चुकी है और उसकी मम्मी उसको कपड़े वपड़े पहना रही है, ठंड बहुत है तो गाड़ी के अंदर बैठा के रखा है, और कपड़े पहनाने के बाद थोड़ी देर धूप में बैठा लेंगे तो सर्दी का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है। और इधर मैं गाड़ी को पैक करने की कोशिश कर रहा हूँ या तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ना हमें निकलना है यहाँ से अब अगली। उधर देख सकते हो हमारी कैंपर वैन अंदर खड़ी है, थोड़ा अंदर को जाके, और निकलने की तैयारी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी जगह थी, थैंक यू भाई लोगों का जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया। और अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कराऊँगा विद कॉन्टैक्ट नंबर के साथ में। तो जी निकलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। जा रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम लोग? नाइन क्लास। अरे ये कौन सी जगह है?
वादा करो पढ़ाई करोगे ना अच्छे से और देश के लिए कुछ करना है ना, तो बोलो जय हिंद। मुझे तेल खत्म हो गया था और मैं नहीं चाहता कि ताता पानी वाली स्थिति दोबारा से पैदा हो जाए, तो अभी थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं गाड़ी में। पेट्रोल डलवा लिया है गाड़ी में और टंकी फुल करवा ली है। ये है मेन मार्केट करसाओ और हम यहाँ रुके हैं हमारी बिटिया पीहू के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो उसी हिसाब से इसके लिए कपड़े लिए जा रहे हैं। कमलकांत ये भैया दुकान के मालिक हैं। नेचर अच्छा लग रहा है भैया का, आगे देखते हैं रेट हमें हमारे हिसाब से करेंगे या नहीं करेंगे। और देखो पीहू यहाँ भी स्टार्ट हो गई है अपनी शरारतों को लेके। पीहू नहीं बेटा नहीं। अपने किचन का सामान भी हमारा ख़त्म हो चुका था, चीनी ख़त्म हो चुकी है, तो सोच रहे सारा सामान यहीं से इकट्ठा ले लिया जाए। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी आटा चीनी और चावल लेना है हमें, तो इसलिए आंटी जी के पास रुके हैं। चीनी हमारी ख़त्म हो चुकी है। तो ये करसाव डिस्ट्रिक्ट है, करसाव तहसील है ना जी। ये है करसाव तहसील की मेन मार्केट, तो इससे आगे हमें ऐसा सामान मिले या ना मिले पर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अभी से अपना कोटा फुल करके चल रहा हूँ। सामान ले लिया है, मूंगफली भी ले ली है और चीनी चावल ले लिए हैं और आटा ले लिया है आशीर्वाद का 5 किलो। दुकान तो मिल गई है त्रिपाल लेने के लिए। अंकल जी ने बड़ी खुशी के साथ कहा मिल जाएगी, देखते हैं कैसी है। ये ले आए तिहाड़ जेल के अंदर और देखते हैं, गेट पे गेट ही खोले जा रहे हैं, सरप्राइज ही सरप्राइज है। लो जी फाइनली त्रिपाल हमें मिल चुकी है और इसका साइज है 12x15। भैया ने बड़ी कोशिश करके ढूंढ के पहाड़ों पे चढ़ा चढ़ा के ढूंढ के लाके दिया है। तो फाइनली कि इतना काम तो हो ही गया कि गाड़ी अपनी रात को कवर हो जाएगी। सो गाइस सब सामान हो चुका है और अंकल ने हमें तिरपाल नहीं दी थी गाड़ी देखने के लिए, बोल रहे थे अंकल, तो अंकल गाड़ी साइड में लगा के रखी है, अगर आपको देखनी तो देख लो फिर हम निकल जाएंगे 2 मिनट में। आप खाइए खाइए। ये क्या बोलते हैं अंकल इसको? नारंगी। ये है नारंगी, अंकल ने बड़े प्यार से दिया है। और भैया हाय। अंकल जी फ्रूट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।